देश में हर बहन बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक तथा बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें। माननीय सदस्यगण, नए भारत के निर्माण में हमारी युवा पीढ़ी की प्रभावी भागीदारी होनी ही चाहिए। बीते 5 वर्षों में युवाओं के कौशल विकास से लेकर इन्हें स्टार्टअप एवं स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद देने और उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। साथ ही स्कॉलरशिप की राशि में भी 25% की वृद्धि की गई है। सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे उन्हें नियुक्ति तथा शिक्षा के क्षेत्र में और अवसर प्राप्त हो सकेंगे। समाज के हर वर्ग का युवा अपने सपने पूरे कर सके, इसके लिए समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रभाव व्यापक स्तर पर महसूस किया गया है। इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं। इस योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।